आज हम कल वाले टॉपिक आदिवासी दीकू और उनका स्वर्ण युग के अंतर्गत आजीविका के साधनों की स्टडी करेंगे। कल हमने इसी आजीविका के साधन के अंतर्गत शिफ्टिंग फार्मिंग या झूम कृषि और शिकारी और संग्राहक, इन दो टॉपिक्स पर चर्चा की थी। आज उसके आगे कुछ ट्राइबल्स जो ग्रुप थे, आदिवासी समूह थे, वे पशुपालन का कार्य करते थे, लेकिन उनका पशुपालन क्या है, स्थायी नहीं होता था। वे क्या हैं, विचरणशील थे, स्थानांतरित समाज थे। वे विचरणशील इसलिए रहते थे क्योंकि वे घास की तलाश में, घास के मैदानों की तलाश में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ये ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि मौसम और ऋतुओं के आधार पर जो है घास के मैदान बनते थे और चरने के पश्चात क्या है, समाप्त हो जाते थे। इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरणशील समाज के रूप में रहते थे। इन समाजों में अगर हम देखें तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में गुज्जर समुदाय रहता था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में लबाड़िया समुदाय था, और कुल्लू यानी जो हिमाचल में है वहाँ पर जो समूह रहता था उसे हम गद्दी के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर में जो आदिवासियों का समूह था उसे हम बकरवाल के नाम से जानते हैं। और इनसे इनकी क्या है, आजीविका चलती थी। नेक्स्ट आते हैं, कुछ लोग क्या है, ट्राइबल समूह आदिवासी खेती कर सॉरी स्थाई खेती करते थे। ये स्थाई खेती आज की तरह क्या है, निजी खेती के रूप में नहीं होती थी। वो कैसी होती थी, सामूहिक या कलेक्टिव फार्मिंग के रूप में होती थी। संपत्ति यानी भूमि क्या है, सबकी होती थी। उस पर सभी लोग मिल करके क्या है, उत्पादन की क्रिया को गतिशीलता देते थे और उत्पादन के फलस्वरूप अपनी आवश्यकता के आधार पर क्या है, उसमें से अनाज ले लेते थे। इस प्रकार की खेती जो है वो छोटा नागपुर, संथाल परगना में क्या है, मुंडा जनजाति जो होती है वो इसका क्या है, कार्य करती थी। तो एक बार पुनः इनकी आजीविका इन चार बिंदुओं से दिखाई देती है, झूम कृषि, शिकारी और संग्राहक, कुछ जानवर पालते थे, कुछ स्थाई खेती करते थे। इसी में एक आगे टॉपिक है, औपनिवेशिक शासन का ट्राइबल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके अंतर्गत पहला जो प्रभाव है, मुखिया या जिसको हम ग्राम प्रधान भी कह सकते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है। पहले मुखिया के पास जो पावर्स होते थे, जैसे क्या है कि अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसका मुख्य कार्य होता था। दूसरा उसका था फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कार्य वो करता था, यानी वन प्रबंधन का कार्य करता था कि कहाँ वनों को लगाया जाए, कौन से आदिवासी किस वन समुदाय में रहेंगे, इस पर उसका निर्णय होता था। तीसरा उसका जो मुख्य कार्य होता था कृषि प्रबंधन, कि हम वन के किस क्षेत्र में कृषि करवाएं जिससे हमें आजीविका भी मिले और क्या है, वनों का कम से कम लॉस हो सके। और चौथा जो आता है जिसे हम जुडिशियरी डिसीजन लेने की क्षमता या जुडिशियरी पावर कह सकते हैं, कि अगर उसके क्षेत्र में किसी प्रकार का विवाद होता है, यथा भूमि का, वन का, बैलों का या अन्य मारपीट का, तो उस पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार किसके पास होता था, मुखिया के पास होता है। लेकिन जैसे ही क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन क्षेत्रों पर, खास तौर से झारखंड के क्षेत्रों पर, उसमें भी छोटा नागपुर, संथाल परगना पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो क्या होता है, इस मुखिया के सारे अधिकार लगभग समाप्त हो जाते हैं और उसकी एकमात्र भूमिका रह जाती है किस चीज़ की, मध्यस्थ की भूमिका रह जाती है। इस मध्यस्थ की भूमिका का मेन जो साधन है वो क्या है, इस क्षेत्र में आप कृषि कराएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करेंगे। तो हम एक वाक्य में कहें तो जहाँ पहले मुखिया कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र रहता है, अब वो क्या है, एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन करके रह जाता है या मध्यस्थ बन करके रह जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना। नेक्स्ट